हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नवजात शिशु के मल से जाने शिशु का स्वास्थ्य। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। जब आपकी संतान का जन्म होता है तो आपके बच्चे और साथ ही साथ अपने बारे में भी बहुत सी बातों को सीखना और समझना होता है। आप पूरी तरह से अलग तरह के व्यक्ति बन जाते हैं। पहले आपको जिन बातों की कोई फिक्र नहीं होती थी, अब आपको उन बातों का ध्यान रखना होता है। छोटी से छोटी बात का ध्यान भी बहुत ही सतर्कता से रखना पड़ता है ताकि आपसे कोई चूक ना हो जाए। पेरेंट बनने के बाद लाइफ का पूरा फोकस बच्चे के ऊपर हो जाता है। बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता सबसे अधिक होती है, यहाँ तक कि आपको उसकी पॉटी पर भी ध्यान देना होता है, क्योंकि बच्चे को सही स्टूल न आने का अर्थ है कि उसके स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्या है। इसलिए हर अभिभावक को अपने बच्चे के स्टूल की जाँच समय समय पर करती रहनी चाहिए। बच्चे की स्टूल को लेकर आपको निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या आपका बेबी सही से भोजन करता है? कि आपकी बेबी की उम्र क्या है? क्या आपकी बेबी ने सॉलिड फूड लेना शुरू किया है? जब भी बेबी की पॉटी को लेकर मन में कोई ख्याल आए तो सबसे पहले इन तीन सवालों के जवाब अपने मन में रखिए। इसके बाद बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानना शुरू करिए। आपके बेबी को कितनी कितनी देर पर पॉटी होती है? वैसे तो बच्चों के लिए कोई सामान्य आवृत्ति नहीं तय है, लेकिन यह बच्चे को दी जाने वाली खुराक पर निर्भर करता है। यदि बेबी माँ का दूध पीता है तो उसे एक दिन में 4 स्टूल तक हो सकते हैं, जो कि सामान्य सीमा है। यदि आपके बेबी को फॉर्मूला फीड कराया जाता है तो उसे कब्ज भी हो सकता है। दूध से सॉलिड फूड देने के दौरान भी ऐसा होता है। नवजात शिशु को कैसे स्टूल्स होते हैं? एक नवजात के स्टूल में अमीनिटिक फ्लूड, बाल, मस्कस और अन्य अवशेष होते हैं जो उसके शरीर में गर्भ में मौजूद हुआ करते थे। बेबी को होने वाला पहला स्टूल गाढ़ा हरा या नीला होता है, जो कि घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा स्टूल होना इस बात का संकेत देता है कि बच्चे का स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। फॉर्मूला फीड कराने वाले बेबी का स्टूल कैसा होगा? यदि आपके बेबी को फॉर्मूला फीड करवाया जाता है तो स्टूल थोड़ा गाढ़ा आता है, जबकि माँ का दूध पीने वाले बच्चों का स्टूल थोड़ा पतला होता है। ये गाढ़ा पीला होता है और इसमें गंदी बदबू आती है। यदि बच्चे को 4 दिन से ज्यादा बदबूदार और बहुत गाढ़ा स्टूल आए तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सॉलिड फूड लेने की शुरुआत पर भी बेबी को कैसे स्टूल आते हैं? जब बच्चा सिर्फ दूध पीता है तो उसे ऊपर बताए गए हिसाब से स्टूल होता है, लेकिन जब वो सॉलिड फूड लेना शुरू करता है जैसा कि पालक की प्यूरी, दाल आदि, तो स्टूल का रंग भी उसी फूड के मुताबिक बदल जाता है। गाजर खाने पर स्टूल गुलाबी और पालक खाने पर हरा हो जाता है। ऐसे में आप देख कर घबराए नहीं। जब बच्चे को भोजन देना शुरू करें तो कोशिश करें कि उसे फाइबर युक्त आहार दे। इससे बच्चे का विकास अच्छी तरह होगा और उसका स्टूल कुछ ही समय में वयस्क लोगों की तरह रंगत और बदबू में हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।